हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से है। अरे, कई एक बार देखा गया है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देखिए, आसानी से समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाती है तो सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है। फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। मीना वेंट टू बैंक, मीना बाजार गई, मीना बैंक गई टू विड्रो आरएस 2000 रुपीज। यानी कि किसने गई, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो देखिए, 2000 रुपये निकालने तो गई है, लेकिन सी आस्क्ड द कैशियर, यानी कि उसने कैशियर से पूछी, कैशियर से क्या पूछी, टू गिव हर आरएस 50 एंड आरएस 100 रुपीज नोट ऑन नोट्स ओनली। यानी कि वो कैशियर से बोली कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, और कितना रुपया होना चाहिए, 2000। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ आरएस 2000 रुपीज। यानी कहा जाए, मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए, और उसने कैशियर से पूछी कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट केवल चाहिए। मीना गेट्स 25 नोट्स इन ऑल। अगर मीना को टोटल नोट 25 नोट मिला है, टोटल 25 नोट ही मिला है, और 25 नोट से कितना होगा फ्रेंड्स, 2000 रुपया। तो बताइए कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन जो है थर्ड चैप्टर से है, आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। तो आसानी से किसी को एक्स किसी को वाई मान लीजिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो लिखते हैं, लेट बी द टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। किसी को पहले मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने कितना मान लिया, एक्स रुपीज नहीं लिखना है, क्योंकि ये नंबर है, कितने नोट होंगे। तो मैंने क्या लिखा, लेट बी द टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एक्स, यानी 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना है, एक्स है। तो उसके बाद क्या करना है, एंड द टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, यानी 100 रुपया वाले नोटों की संख्या मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या मान लिया, वाई। अब चलना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न से, प्रश्न ने क्या बोला इस हिसाब से चलना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसने क्या की है, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। 2000 रुपया तो ली टोटल, इसमें से क्या होता कि 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला नोट चाहिए। तो 50 और 100 दोनों नोट को मिलाएगा तब तो 2000 रुपया होगा ना फ्रेंड्स। मिलाने का मतलब क्या होता, प्लस। तो देखिए, हम लिखेंगे 50, यानी 50 रुपया वाला एक्स। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या एक्स है। तो 50 में अगर 50 का 10 होगा तो 50 गुना 1, यानी 50 गुना 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 50 का एक्स है तो 50 गुना 1, यानी 50x, और प्लस 100y, यानी 100y हो गया, 100 गुना y इक्वल टू कितना रुपया हो गया, दोनों को मिलाया तो 2000 रुपया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप 50 को कॉमन ले लीजिए, 50 का टेबल में सभी आएंगे। तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 50 से करेंगे तो 40 होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब लिखना है नौ। नौ में क्या करना है, देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को क्या है आगे की ओर। इसे टोटल नोट कितने मिले, 25, यानी कि कौन कौन सा नोट, 25, 50 का और 100 रुपये का नोट मिलाकर के टोटल कितने नोट हुए, 25। तो चलते हैं नौ। अब x प्लस y इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से हुआ फ्रेंड्स।
ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई यानी कि x किसको माने हैं 50 का, 50 प्लस 100 का नोट बराबर टोटल कितने नोट 25 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। और यहां पे ऐसा क्यों किया, देखिए इधर रुपया लिया, इधर रुपया लिया, तो यहां भी रुपया, यहां नोटों की जो संख्या था संख्या 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 लेना है। तो ध्यान दीजिए अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया, अब मुझे बस सॉल्व कर लेना है, एनीबॉडी कोई भी मेथड से आसानी से आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं, तब तक के लिए इसे रफ कर देते हैं, हमें चलना है ओनली इक्वेशन से। तो देखिए इस प्रकार से इक्वेशन आया है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख लिए, अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। ये प्लस है क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अरे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस और माइनस गया, ए प्लस माइनस, तो देखिए 2 है 1 है, काटना नहीं है, काटना कब है जब दोनों का नंबर सेम है, ए वेरिएबल सेम है। अब ध्यान देना है यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है, ए प्लस और माइनस घटा देना है तो क्या पड़ेगा, यहाँ प्लस जो बड़ा है वो 2 में से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है फ्रेंड्स, तो 2 में से 1 गया, 1 1 नहीं लिखना है, y लिख देना है, इक्वल टू घटा लीजिए कितना बचा, तो आपका कितना बचा 15 प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो y का वैल्यू तो यहीं पे आ गया फ्रेंड्स, इसलिए कह सकते हैं y इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गया। अब लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, जिसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं, सेकंड या फर्स्ट दोनों चलेगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 25, x की वैल्यू नहीं आई है ऐसे लिख दीजिए, और प्लस y की वैल्यू 15 इक्वल टू 25। अब करेंगे x इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 10, इस प्रकार से x की वैल्यू भी आ गया। तो हेंस लिख देंगे, इसको रब करते हैं और हेंस में लिख देते हैं, हेंस यही लिखना है जो ऊपर माने थे, टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स, 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना, x वाला आया 10, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स इक्वल टू 15, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आसानी से चेक कर लीजिए, 50 रुपया वाला 10 नोट 500 हो गया फ्रेंड्स, और 100 रुपया वाला 15 नोट यानी 1500 हो गया, टोटल कितना हो गया 2000 रुपया, जैसा कि मुझे 2000 लाना भी था 2000 आ गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।